फिर ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। मान लो किसी के संतान की प्रॉब्लम है, किसी के एज की प्रॉब्लम है, किसी के ईडब्ल्यूएस की, किसी के दिव्यांग की, किसी के ओबीसी की, किसी एसटी एससी ओबीसी जो भी है। रही कुछ लोग उनका कि गुजर आरक्षण आंदोलन रेल की पटरियों को होता था, सरकार हेलीकॉप्टर उड़ा दी। उस आंदोलन को हमारे से ज्यादा जानते हैं कि वो कहने वाले लोग, या हमारी शब्द कह रहे हैं लाइव आकर, हमने कहा होगा। वो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन कहीं भी हो। ये मूर्ख है क्या सारे कर्मचारी संगठन जो जयपुर आंदोलन, वो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन उनके क्षेत्र में ही होता है, वहीं प्रेशर बनता है, ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। और हमने तो पहले भी कहा था बिंडा जी को कि बिंडा जी, या तो ये आदेश तो देखो हो ही रहे हैं, इसमें तो राजनीति हो रही है, निदेशालय पे ताला ठोकते हम तो, लेकिन वहां मतलब नहीं था। अगर हम वहां 32 दिन बैठते या 30 दिन बैठते तो निदेशालय पे ताला ठोक देते, वो तो कोई वीरता की बात होती। टेंट में छुप कर बैठे हो और फिर कहते हो कि हमने वीरता, शमशेर बालू खान का इतना बड़ा योगदान है कि धर्मेंद्र राठौड़ जी के पास गए थे, 4 तारीख को लिस्ट करने वाली थी, धर्मेंद्र राठौड़ जी ने फोन किया था अखिल अरोड़ा जी को कि साहब मैं कितनी झूठ बोलू, चार पहले आपने कहा कि 28 को निकलेगी, फिर 4 को निकल रही है, 4 को फिर उन्होंने कहा साहब सीएम की टेबल पर भिजवा दिया प्रथम नियुक्ति की फाइल, जल्दी हो जाएगा। इस आदेश जिस दिन हुआ 12 तारीख में, 12 तारीख की बैक डेट, 12 तारीख में आखिर आरती डोगरा मैडम ललित जी के पास सांवर जी बिंदा जी राम जब गए, तो उन्होंने कहा था सुरेश वर्मा जी से भी उसी सेम डे कि प्रथम नियुक्ति की फाइल बिल्कुल सीएम साहब की टेबल पे, हो सकता कांग्रेस का चैंपियनशिप है, उसके बाद में उसको 1-2 दिन में निकाल देंगे, मकर संक्रांति के 1-2 दिन बाद। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा धरना, जिन्होंने रेगुलर भर्तियां करवा दी 19,000 और 12,888 कुछ संविदा सेवन, 7 दिन के आंदोलन में उन्होंने बोनस अंकों के आधार पर भर्ती निकलवाई। उसके दबाव में जब मुख्यमंत्री जी बैठे, सारी कैबिनेट बैठी, इस फाइल को भी निकाल गए क्योंकि करना तो था ही। अच्छा एक बात और, संविदा सेवा नियम में सरकार सबको लिखे, आपको मैं स्पष्ट तौर पर बता, ये कोई नया, ये तो सिर्फ एक राजनीति करने के लिए लोगों ने हथकंडे। अब बात यह है कि अगर 50 साल से ऊपर का हमारा भाई, 55 साल से ऊपर की हमारी माता बहन रहेगी, उनका कैसे होगा, कोई जवाब देके गया? हम बताते हैं, अगर इस आदेश के आधार पर उनका हो जाता है, अन्य उनका लेटर लगा रखा है, नहीं होता है तो फिर डीओपी में मेहता जी की वहां फाइल है, फाइनेंस और डीओपी का डिस्कशन चल रहा है, वो फाइल आने के बाद में प्रत्येक पंचायत से भाई बहन का सिलेक्शन होगा। कोशिश ये है कि इस फाइल के साथ भी बिंडा जी और सांवर जी अन्य उनका लेटर लगा के आए, हमने भी लगाया, अगर हो जाता है। लेकिन निर्धारित आयु सीमा 45 सरकार ने कर रखी है, लेकिन 50 से की अन्यून थी, ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए इस गोलमोल आदेश है, इससे हमको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, इस पे स्टेडी होना बाकी है। ये प्रथम नियुक्ति वाली जो सरकार की मंशा थी वो आदेश, बाकी अब ये सरकार इस बजट में बहुत सारी बड़ी भर्तियां निकालने वाली, बोनस अंकों के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बीडी कल्ला साहब ने कहा है कि बोनस अंक मिलेंगे, जो योग होगा वो आगे बढ़ेगा। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, ये तो संगठन के कटाक्ष हैं। मैं समस्त जिलाध्यक्ष साथियों को, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष साथियों को, और नीचे तक के एक एक 27,000 पंचायत सहायक भाई बहन, 23,750 सभी का सहयोग मानता हूं। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि आप सब लोगों की, सभी 3,300 जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष और सभी साथियों के, माता बहनों की मेहनत से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। 14 सालों के इतिहास में ये वही लोग हैं जो अभी थोड़ी देर पहले लाइव आकर कह के गए हैं कि संघर्ष की एबीसीडी पता नहीं है। अरे संघर्ष की एबीसीडी तो हमने सिखाई ना, जब आप अपने साथियों के साथ में, नरेंद्र भाई, अशोक सियाग भाई, बिंडा जी, सांवर सिंह जी, गिठाड़ा जी, उनको जब छोड़कर आप हमारे पास आए, हम युवा कार्यकारिणी चलाते थे, राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक महासंघ युवा कार्यकारिणी हमारी आज से 4.5-5 साल पहले गठन हुआ था, फर्स्ट कार्यकाल एक्सटेंशन ऑर्डर से लेकर आज यहां तक लेके आई, उस कार्यकारिणी में ये लोग विलय होने के लिए आए थे, क्योंकि इनको वहां कोई पूछ नहीं रहा था, जिलों में कोई पूछ हो नहीं रही थी, इनको राजनीति का चस्का था शुरू से, 14 साल से हमारे पास आए, हमने 2-2, 3-3 दिन इनको जयपुर में इंतजार करवाया, हमने कहा कि मिलेंगे, षड्यंत्र के तहत कार्यकारिणी बना ली, चलो ठीक है बन गई, लेकिन जो काम करने वाला वो रुकेगा क्या?
अभी भी कह रहा हूं, आंदोलन होगा, डंके की चोट पे होगा, सब मिलके लड़ेंगे, समस्त कर्मचारी मिलके लड़ेंगे। राजस्थान का 27 23 749 पंचायत विद्यालय से ग्रेड पे स्थायीकरण मांगता ही कोई हमारी लड़ाई नहीं थी। और नियमितीकरण का मैं 25 दिसंबर को आंदोलन की घोषणा, इतना 25 दिसंबर को मेरे 20,000 पात्र साथी जो थे उनका बहुत प्रेशर था, लेकिन रामजीत पटेल निर्णय लेने में स्वविवेक से ऐसे निर्णय लेता है, सब कहते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं जब तक आंदोलन का बिगुल नहीं बजाऊंगा तब तक मेरे एक एक साथी का चयन नहीं। अब आप लोग सोचते हैं कि सबका चयन हो गया, तो क्यों ना बिगुल तैयार रहे, जल्दी आपको डेट मिलेगी, पूरे राजस्थान के कोने कोने के पात्र और अपात्र साथी सारे गिले शिकवे दूर कर, क्योंकि एक बंदा मैं वो भी हूं, मेरा नाम कोई ले नहीं रहा, मुझे फर्क नहीं। अब ग्रुपों में किसी को राजस्थान का शेर कहें, किसी को हिंदुस्तान का शेर कहें, अरे भाई मैं शेर नहीं हूं, शेर होता तो मुझे रणथंभौर में छोड़ो ना, सरकार के पास शेरों की टाइगरों की वैसे ही कमी है, मुझे शेर की उपाधि भी नहीं थी, मुझे टाइगर की उपाधि भी नहीं थी, चीता लोमड़ी गीदड़ की उपाधि, क्योंकि राजस्थान सरकार के पास इंडिया में ही टाइगर्स और लॉयंस की बहुत कमी है, और अगर कहीं टाइगर लॉयन आपको दिख रहे हैं तो उनको रणथंभौर में छोड़ा जाए, जिससे देश में टाइगरों की शेरों की संख्या बढ़े, गिनीज बुक में नाम आए। मुझे रामजीत पटेल के नाम से जाने, रामजीत पटेल विद्यालय सहायक पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र, उनके हितों पर जो तीनों पद जिन लोगों पास रहे, इनके हितों के लिए तन मन धन जब तक सांस रहेगी अंत लड़ेंगे जीतेंगे। और जो अभी आगे की हम जो बात कर रहे हैं आपसे, आगे आंदोलन इसी बजट सत्र में धमाकेदार आंदोलन होगा, बहुत बड़ी रणनीति बन रही है, सारे उस आंदोलन में जितने भी टाइगर शेर लॉयन गीदड़ भालू और जितने भी परिजीव हैं इस धरती के, सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे, और एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो खींचते रहो, राजनीति करने के लिए तो खूब अखाड़े पड़े हैं, क्योंकि राजनीति के जब बड़ा बड़ा चस्का चढ़ जाता है आदमी को तो वो किसी हद तक जा सकता है, एक मुद्दा नहीं होकर मुद्दा बना डाला लोगों, पात्र है पात्र के नाम पर इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी, जो कोई जमाने में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम भाई भाई ऐसे लड़ेंगे आपस में पात्र और अपात्र। और बुजुर्ग कहना कोई गुनाह है क्या? कुछ लोगों ने कहा कि बुजुर्ग, आज मेरे दादाजी हैं पिताजी उनको बुजुर्ग ही तो कहते हैं, बुजुर्ग उम्र दराज ये एक दूसरे का पर्यायवाची, स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से घेरा, अधिकारियों को घेरा, एक एक लेटर पैड चेक कर सकते हो, आईटी की सूचना डाल के हमने कौन सी